Marty! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार से फारिग होकर नरेंद्र मोदी सीधे राजस्थान पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही राजस्थान से चुनाव अभियान शुरू करने का शेड्यूल बना रखा था। 8 मई को कर्नाटक में चुनाव प्रचार बंद हुआ, 10 मई को उधर वोटिंग हो रही थी और इधर राजस्थान के प्रसिद्ध नाथ द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया। फिर सिरोही जिले में आबू रोड में 5500 करोड़ की केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मामले में राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उन्होंने प्रचार का नया तरीका निकाला। वो बेंगलुरु की लोकल बस पर चढ़कर यात्रियों से बातचीत करने लगे। यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से मिले और डिलीवरी बॉयज के साथ बैठकर उन्होंने लंच भी किया। उन्हें पता है कि कांग्रेस की जमीन उजड़ चुकी है और जमीन पर उतरकर ही जमीन को फिर से सींचा जा सकता है। राजस्थान पहुंचने में वो नरेंद्र मोदी से भी आगे निकल गए। वो 9 मई को ही माउंट आबू पहुंच गए थे, जहां 10 दिनों से कांग्रेस का सर्वोदय संगम शिविर चल रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के राजस्थान पहुंचने से 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने इतना रायता फैला दिया कि दोनों को इस रायते को समेटने में कई दिन लग जाएंगे। अशोक गहलोत ने दोधारी तलवार म्यान से निकालकर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों पर चला दी। वसुंधरा राजे के चुनाव क्षेत्र धौलपुर में उन्होंने ऐसा राजनीतिक बम फोड़ा कि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे लहूलुहान हुए पड़े हैं। ये दोनों अशोक गहलोत के राजनीतिक विरोधी है। दोनों की निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, एक कांग्रेस में है तो दूसरा भाजपा में। अशोक गहलोत ने ऐसा बम फोड़ा कि दोनों के आशियानों में आग लग गई। सचिन पायलट 5 साल से मुख्यमंत्री पद के लिए भागदौड़ कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत ने उनकी दाल नहीं गलने दी। अशोक गहलोत ने कहा कि 2020 में जब सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 विधायकों को भाजपा ने खरीद लिया, तब वसुंधरा राजे कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने उनकी सरकार बचाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के 19 विधायकों ने भाजपा से 10-10 करोड़ रुपए लिए थे, वो भी अभी तक भाजपा को वापस नहीं लौटाया, उन्हें वो पैसा वापस लौटाना चाहिए। अब अशोक गहलोत के इस बयान के मतलब समझिए। इसका पहला मतलब ये है कि उन्होंने सचिन पायलट को पार्टी छोड़कर चले जाने के लिए उकसाया है। दूसरा मतलब ये है कि 2020 में सचिन पायलट के साथ बगावत करने वाले 18 विधायकों का टिकट कटवाने की भूमिका तैयार कर ली है। वो टिकट वितरण कमेटी के सामने ये बात रखेंगे कि जिन कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा से एडवांस लिया है, वो त्रिशंकु विधानसभा आने की सूरत में भाजपा की सरकार बनवा देंगे, इसलिए उन सभी का टिकट काटा जाए। राजस्थान में पिछले 40 साल में कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाने के लिए 5-10 विधायकों का जुगाड़ करना ही पड़ता है। वो जिन 19 विधायकों की बात कर रही हैं, उनमें से 2 तो उनकी सरकार में अभी मंत्री है। सचिन पायलट गहलोत के इस बयान से तिलमिला उठे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बार बार अपमानित किया जा रहा है, कभी गद्दार कहा गया, कभी कोरोना कहा गया। अब अशोक गहलोत अपनी पार्टी के विधायकों को बदनाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं और ये भी कहा कि पैसों की राजनीति करते हैं, उन्हें पैसा ही सिर्फ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।